हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी जो कि है द ग्रीन लीव्स बाय ग्रेस ओगॉट। ये जो ग्रेस ओगॉट थी, इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1930 टू 2015 और ये थी एक केनियन ऑथर। तो ये जो ग्रीन लीव्स है, ये पब्लिश हुआ था 1968 में। तो ये जो ग्रेस ओगॉट थी, इनकी कुछ जो वर्क है वो है ब्लैक और फेस, और ये है लैंड विदाउट थंडर, द रेन केम, वर्ड 9, द प्रोमिस लैंड। ये जो है द प्रोमिस लैंड, ये एक नावल है जो कि पब्लिश हुआ था 1966 में। ये था इसका, इनकी जो फर्स्ट नावल है ये था द प्रोमिस लैंड। इनकी जो अदर वर्क्स है उनमें है द स्ट्रेंज बर्ड, द ग्रेजुएट, द अदर ओमेन एंड ये द आइलैंड ऑफ टीयर्स। तो ये थी इनकी वर्क्स, लाइफ टाइम वर्क्स और भी है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं दी ग्रीन लीव्स, वो लिया गया है इससे, लैंड विदाउट थंडर, जो कि एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जो कि पब्लिश हुआ था 1968 में। तो इसी से लिया गया है ये जो हम पढ़ रहे हैं आज का शॉर्ट स्टोरी दी ग्रीन लीव्स। शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है कॉलोनियलिज्म का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है अफ्रीकन, जो ईस्ट अफ्रीका का जो पीपल होता है, जैसे केनिया में जो सब पीपल रहते थे पहले, उन पे जो इफेक्ट था कॉलोनियलिज्म का, वही दिखाया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। तो इस शॉर्ट स्टोरी में जो सब कैरेक्टर्स है, तो वो कैरेक्टर है नायगर, नायमुंद, अमोरो, ये ओलियोलो और नायगर्स को वाइफ। तो ये जो नायगर है, ये नायगर इस शॉर्ट स्टोरी का प्रोटेगोनिस्ट है, और ये नायमुंद जो है ये है इस प्रोटेगोनिस्ट की वाइफ, मतलब नायगर्स वाइफ थी ये नायमुंद। और ये जो अमोरो है, अमोरो था नायगर्स का फ्रेंड, इधर मैंने लिखा हुआ है रिलेशन, तो इधर ये फ्रेंड है अमोरो नायगर का। और ये जो ओलियोलो है, ओलियोलो था मतलब इसका जो नायगर है इसका कज़न ब्रदर है, और ये क्लैन लीडर भी था। और ये नायगर ने दो शादियाँ किया था, क्योंकि ये जो नायगर्स को वाइफ है ये था नायगर्स का दूसरा वाइफ, क्योंकि ये नायमुंद जो है ये था फर्स्ट वाइफ, और ये नायगर्स को वाइफ थी नायगर की सेकंड वाइफ। तो वो तब मतलब केनिया में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म चल रहा था, तो वो ये उनका ये रूल था कि अगर कोई आदमी एक से ज़्यादा वाइफ को खिला पिला सकता है तो वो एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है। तो इसलिए नायगर्स ने दो शादी किया था, एक नायमुंद और ये नायगर्स को वाइफ जो है ये दूसरी। लिए इस शॉर्ट स्टोरी को शुरू कर, स्टोरी का स्टार्टिंग कुछ ऐसे होता है कि नायगर जो है हमारा प्रोटेगोनिस्ट, ये सो रहा होता है, और ये सोकर सपना दिख रहा होता है कि कोई उसके पास आ रहा है, और उसका जो फुट स्टेप का आवाज़ है वो उसे सुनाई दे रहा होता है। तो वो जाग जाता है, और जाग के देखता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, कोई सच में उसके पास आ रहा है। तब नायगर ने क्या किया, नायगर ने एक चादर ओढ़ा और वो निकल गया, और देखने के लिए कि किस चीज़ का आवाज़ है ये सब। जब नायगर निकल गया घर से, तब उसने देखा कि एक छोटे ग्रुप को वो एक बड़े ग्रुप फॉलो कर रहा है, और उनमें से एक चिल्ला रहा है कि इस छोटे ग्रुप ने मेरा कैटल चोरी किया है। जो कैटल मतलब जो वो मतलब वो घर में पालते हैं पशु वो है, तो उनमें से ही एक चिल्लाता है जो कि नायगर सुनता है। तब नायगर जो है वो जो बड़ा ग्रुप है विलेजर्स का, तो उनका ग्रुप को ये फॉलो करता है और उनके पीछे भागता है। वो जो छोटा ग्रुप भाग रहा होता है उनके पीछे ही भागता है नायगर भी। जब ये कैटल थीव्स भाग रहे होते हैं, तब इन्होंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया, और उनको वो जो विलेजर्स का ग्रुप था उन्होंने पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। तो वो लोग रोने लगे पेन में। विलेजर्स का जो ग्रुप था उनमें से तीन आदमी ने देखा कि जो एक थीफ है वो जाके एक झाड़ के पीछे छुप गया, तो वो तीन जाके वो झाड़ जो था उसको पीटना शुरू कर दिया। तो वहाँ से कोई साउंड नहीं आया, तो उन्होंने देखा कि वो जो थीफ था वो भाग चुका है। दूसरे थीफ जो था, वो दूसरे थीफ ने अमोरो का जो शोल्डर है उसमें एक नाइफ लेके बार कर दिया। तो अमोरो का जो, और वो जाके भाग गया रिवर के ओर।
तो अमोरो का बहुत खून निकल रहा था, तो ये जो नाइगर है जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट, वो आके अमोरो को हेल्प कर रहा था ताकि उसका जो ब्लीडिंग हो रहा था वो स्टॉप हो जाए। तो उनमें से और एक जो थीफ था वो एक ग्राउंड में गिरा हुआ था, क्योंकि वो जो विलेजर्स है वो विलेजर्स ने उसे बहुत पीटा था। तो जब वो विलेजर्स फिर से आते हैं और उसे पीटना शुरू कर देता है, तो वो तब तक उसको पीटता रहता है जब तक कि ना वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ये थीफ मर चुका है, मतलब मरने ही वाला है। तो ये जो अमोरो है इसने कहा कि एक थीफ को हमारे सामने मरते हुए देखना एक बैड लक है, तो इसलिए वो लोग उसका कोई विटनेस नहीं होना चाहता था। तो वो लोग उनके हट्स की ओर लौट गए, मतलब उनके घर के ओर लौट गए सब लोग। और वो जो थीप का जो बॉडी था उसके ऊपर ग्रीन लीव्स जो वहाँ पे गिरा हुआ था वो दे के ढक दिया, और उन्होंने ये बताया कि कल उसका फ्यूनल होगा। तो जो विलेजर्स थे वो सब लोग घर चले गए, और उनके साथ नायगर भी अपना घर चला आया। और जो वो उस मतलब विलेज का जो औरत थी, मतलब जो वाइफ थी उनकी, तो विलेजर्स की जो औरत थी मतलब, तो वो लोग को वेट करना था कि मॉर्निंग कब हो और कब हम जान पाए कि क्या हुआ है। क्योंकि मतलब रात का जो ये इंसिडेंट है तो उसमें तो कोई औरत बाहर नहीं निकला था, तो इसलिए वो लोग जान नहीं पाया कि क्या हो रहा है बाहर। नायगर सोने ही वाला था तब उसका माइंड चेंज हो गया कि वो जो थीफ वहाँ पे मरा पड़ा है उसके पॉकेट में पैसा होगा, तो उसे लगता है कि उस पैसे को इसे लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत रिच था जिसके वजह से इसका दो वाइफ भी था। तो ये नाइगर जो था ये बहुत ही ग्रेडी टाइप आदमी था, तो इसे लगता था कि ये पैसा मुझे लेना चाहिए। तो फिर इसने इसका माइंड चेंज किया और ये उस मतलब उस मरे जो पड़े हुए थे वो थीप की ओर जाने लगा। नायगर जब जा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो उसने सडनली ये रियलाइज़ किया कि नहीं, वो तो उसका ही फुट स्टेप है जो वो चल रहा है, तो उसी का पैर का आवाज़ उसे सुनाई दे रहा है, तो उससे वो डर रहा था। नायगर जो है ये सोचकर भी डर रहा था कि वो जो अदर्स थीव है वो अगर वापस आ गए, उसके जो फ्रेंड जो गिरा पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है, उसे लेने के लिए अगर बाकी के थीव्स जो थे वो लोग आ गए, तो ये बहुत डर रहा था। लेकिन फिर भी ये उस पैसे के लिए जा रहा था। नायगर का जो माइंड था वो सोच रहा था कि इसे ये उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास एनफ मनी था और इसके पास वाइफ्स भी जो है वो भी था, तो जो इसके पास कैटल भी थे, तो सब कुछ ही था, तो ये क्यों ये काम कर रहा है। लेकिन ये जो ये इसे वो काम करना ही था। ये नायगर जब उस डेड बॉडी के पास पहुंच गया तो वो जो लीव्स में ढका हुआ था, ग्रीन लीव्स में, उसको हटा रहा था। तो सरप्राइजिंगली जब उसने देखा कि उस डेड बॉडी का बॉडी अभी भी गर्म है, तो उसने फिर भी स्टॉप नहीं किया उसका काम, फिर भी वो जो लीव्स था वो हटा रहा था। नायगर ने उस थीफ का पॉकेट चेक किया लेकिन उसके पॉकेट में कुछ नहीं मिला उसको। तो उसने एक उसे एक बात याद आया कि जो कैटल ट्रेडर्स होते हैं, जो कैटल ट्रेडर्स होते हैं वो पैसा कभी भी अपने पॉकेट में नहीं रखते हैं, वो मनी रखता है उसके जो नेक होता है, नेक के आसपास रखता है। तो उसने उस जो बॉडी था उसके नेक के आसपास जाके देखने लगा, तो उसे एक बैग मिला और वो स्माइल किया। तो सडनली वो जो डेड बॉडी था वो नायगर पे एक बार करता है, तो उसको नायगर के जो आँख में होता है एक मुक्का मारता है, तो नायगर जाके बहुत दूर गिरता है और नायगर उधर ही मर जाता है। तो जब वो थीफ है वो थीप उसको मार देता है, मतलब वो थीप पहले मरा नहीं था लेकिन वो गांव वाले समझ रहे थे कि वो मर चुका है। तो वो जब उठ के नायगर को मार देता है, उसके बाद वो नायगर के बॉडी के ऊपर ग्रीन लीव्स जैसे उसके ऊपर दिया हुआ था वैसे ही नायगर के ऊपर ग्रीन लीव्स दे देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो जब नेक्स्ट नेक्स्ट डे जो क्लैन लीडर है ओलेलियो, तो
ओलिलियो एक जो फ्यूनल ड्रम होता है, फ्यूनल ड्रम का आवाज़ करता है, तो 100 पीपल एक ट्री था जो कि है एक ओपोक ट्री, तो उस ओपोक ट्री के नीचे 100 पीपल जमा होते हैं और जो कि थे विलेजर्स, तो वो जमा होके ये सुनने के लिए आते हैं कि जो क्लैन लीडर है ओलिलियो वो क्या कहना चाहता है इसके बारे में, मतलब वो क्या आगे का डिसीज़न क्या लेता है, क्योंकि वो क्लैन लीडर है तो आगे का जो डिसीज़न है तो वही बताएगा, तो इसलिए वो लोग जमा होते हैं। तो उन 100 पीपल्स में कुछ ऐसे भी थे जो नहीं जानते थे, कुछ ओमेंस भी थे जो नहीं आए थे कल रात, तो उनको पहले ओलिलियो जो क्लैन लीडर है वो सब कुछ बता देता है कि कल रात को क्या हुआ था। तो उसने ओलिलियो ने बताया ये कि ये जो मर्डर किया गया है हमारे पीपल के द्वारा, तो वो ये एक थीफ है, एक चोर है, तो एक चोर को तो मारना ही चाहिए, तो वो हमारा जो विलेजर्स है उन्होंने ठीक ही किया है, एक चोर को मार दिया है, लेकिन वहाँ पर तो कॉलोनियलिज्म चल रहा था, मतलब ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो ब्रिटिश रूल के अनुसार जो था, तो उनके अनुसार था ये कि मर्डर को मर्डर की नज़र से ही देखा जाता था कि वो एक थीप को मारे और ये एक आम आदमी को, वो एक मर्डर ही होगा। तो ओलिलियो ने एक प्लान बनाया कि जो उनका जो ग्रुप है, एक ग्रुप बना दिया और वो ग्रुप जाके बताएगा उस ब्रिटिश वाइट मैन को कि जो मतलब ये मर्डर किया गया है वो एक ग्रुप द्वारा किया गया है, क्योंकि वो एक थीफ है, तो एक थीफ को एक ग्रुप ने मार दिया। तो इसमें ये जो हमारा राइटर थी ये दिखाना चाहती थी कि ये एक ग्रुप का जो पावर होता है तो उसका एक अलग ही पावर होता है, मतलब एक ग्रुप में यूनिटी यूनिटी में जो पावर होता है उसी को दिखाया गया है यहाँ पर। तो ओलिलियो ने प्लान बनाया कि एक ग्रुप जाएगा और जाके वाइट मैन को बताएगा कि ये जो मर्डर किया गया है ये एक ग्रुप द्वारा किया गया है। नाइगर की जो वाइफ है नैमुंद ये भी आई हुई थी उस ग्रुप में, और ये जो नाइगर की को वाइफ है ये भी थी उस मतलब 100 पीपल में, तो ये लोग सुन रही थी कि क्या हुआ था। तो जब इन्होंने देखा कि दो पुलिस की ये ट्रक आई जो जिसमें यूरोपियन पुलिस मैन भी थे और उनमें से कुछ अफ्रीकन पुलिस मैन भी थे, वाइट ऑफिसर ने उनके जो क्लैन लीडर थे ओलिलियो उनसे मांग किया कि क्या हुआ है, वहाँ का स्टोरी जो है वो बताओ। ओलिलियो ने ट्रांसलेटर की मदद से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर थे वो जा रहे थे उस डेड बॉडी के ओर, तो उनके पीछे पीछे सारा क्राउड भी जा रहा था, इसमें जा रहा था उस डेड बॉडी के ओर, क्योंकि ये ब्रिटिश का रूल था कि अगर कोई आदमी मरता है तो उसका बॉडी को लेके जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद बताया जाता है कि मतलब जाना जाता है कि उस व्यक्ति की मतलब मौत का कारण क्या है। अफ्रीकन पुलिस ऑफिसर्स जब उस डेड बॉडी के ऊपर से जो ग्रीन लीव्स दिया हुआ था वो ढका हुआ था वो हटा रहा था, तब ओलिलियो जब देखा उस डेड बॉडी को तब वो देख के मतलब उसका होश उड़ गया कि ये तो उसका कज़न ब्रदर है नैगर। नैमुंद ने जब देखा कि ये नैगर की डेड बॉडी है तब वो दौड़ के आती है और आके डेड बॉडी के पास आके रोने लग जाती है, तो और वो क्राउड से पूछती है कि कहाँ है वो थीफ, वो चोर कहाँ है। तो उन जो एक पुलिस ऑफिसर था वो नाइगर का जो डेड बॉडी है वो लेके ट्रक में उठा देता है और भर देता है, और नाइगर का जो डेड बॉडी बॉडी था वो पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है। तो वो जो एक वाइट ऑफिसर था वो नैमुंद को वो मतलब दिलासा दे रहा था बहुत कुछ बता के, और ये जो ओलिलियो है ओलिलियो बता रहा था कि कुछ मत रो मत कि नाइगर का जो स्प्रिट है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो ये सब बता के नैमुंद को दिलासा दिया जा रहा था, और ऐसे ही इस स्टोरी का एंड हो जाता है। और इस स्टोरी के एंड में एक ट्रेडिशनल जो फ्यूनल होता है वो बजाया जाता, मतलब वो गाया जाता है ये नैमुंद के द्वारा। ये नैमुंद जब वो ट्रेडिशनल सॉन्ग गा के फिनिश करता है तो ये शॉर्ट स्टोरी का वहीं पे एंड हो जाता है।